अब आते हैं रिएक्शन एंथैल्पी पर। कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इस केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्शन एंथैल्पी हम किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला देख लें। रिएक्शन एंथैल्पी इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच से। एच से मीनिंग एंथैल्पी, डेल्टा से मीनिंग है चेंज इन एंथैल्पी, और आर का मतलब है रिएक्शन, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। और एक फॉर्मूला हमने इसके पहली क्लास में पढ़ा था, डेल्टा एच इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर, इसका मीनिंग है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमारा यहाँ रिएक्शन एंथैल्पी का भी फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की एंथैल्पीज का टोटल कर लेंगे, माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उन सभी की एंथैल्पीज का हम सम ले लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा आर एच की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कोई एक एग्जांपल ले ले इस बात को और क्लियर करने के लिए। मान लीजिए हमने मीथेन लिया है और इस मीथेन गैस का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तब ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें, ट्वाइस कर दें तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन में ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो इस रिएक्शन के लिए यदि हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो डेल्टा आर एच इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट हम ले लें, इसमें पहले प्रोडक्ट की बात कर लें। प्रोडक्ट हमारा CO2 है, इसकी हम मोलर एंथैल्पी ले रहे हैं CO2, और साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी शो करें, गैस वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस है, मीथेन भी गैस है, प्लस सेकंड हमारे पास वाटर है, इसके टू मोल्स हैं तो यहाँ पे ट्वाइस लेना होगा कोफिशियंट, और फिर हम HM लिखेंगे, HM से मीनिंग है मोलर एंथैल्पी, फिर देन किसकी मोलर एंथैल्पी ले रहे हैं तो H2O की ले रहे हैं, फिजिकल स्टेट क्या है तो लिक्विड है, तो ये हमने लिया है प्रोडक्ट्स के लिए। फिर इसमें हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स को माइनस कर रहे हैं, तो HM यहाँ भी ले रहे हैं CH4, फिजिकल स्टेट हम कंफर्म करें तो गैस, प्लस टू मोल्स हैं ऑक्सीजन के तो ट्वाइस HM, एंड O2 ये हमारा सब्सटेंस है, फिजिकल स्टेट उसकी गैस है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। इन सब की वैल्यूज हम पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद डेल्टा आर एच की वैल्यू इजीली फाइंड की जाएगी। अब यदि मान लिया हमें स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी लेना है तो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले तो इसको हम डिनोट किससे करें उसे देख लें, डेल्टा आर एच नॉट, इससे हम डिनोट करते हैं, कंपेयर करें दोनों में, कंपैरिजन में क्या आ रहा है, नॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, नॉट से मीनिंग क्या है, वो स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट्स, स्टैंडर्ड स्टेट्स लाइक 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब सारे ही रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर पर प्रेजेंट, तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज पर, ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन एंथैल्पीज किस तरह से रहेंगी, उनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज ये हम लेके चल रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है जो ये सारी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज होने के बाद हम आपको बताएंगे। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एफ एच नॉट से, सारी चीजों का मतलब समझ लें, नॉट से मतलब है स्टैंडर्ड, एच से मतलब है एंथैल्पी, डेल्टा से मीनिंग है चेंज इन एंथैल्पी, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन। इस टाइप की एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये है कि 1 मोल
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, वन मोल इट मींस वन मॉलिक्यूल ही बनना चाहिए रिएक्शन में, एंड सेकंड कंडीशन है फ्रॉम एलिमेंट्स, कि उसका फॉर्मेशन उसके एलिमेंट से होना चाहिए। कोई एक एग्जांपल ले ले, लाइक CO2, CO2 में देखिए वन मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और CO2 में एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके ही ये रिएक्शन बननी चाहिए। तब यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस एंथैल्पी चेंज को बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसकी वैल्यू आती है -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। किलो जूल मोल इनवर्स ये एंथैल्पी की यूनिट है, पर मोल के फॉर्म में हम ले रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है। ये हमने CO2 का निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिजिकल स्टेट कंफर्म करें तो ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें गैसियस फॉर्म में ही मिलेगी। तो ये हमारा पहला टाइप था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। फिर आते हैं दूसरे टाइप की रिएक्शन एंथैल्पी पर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन इसमें आ जाए, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा सी एच नॉट से। नॉट से मीनिंग है स्टैंडर्ड, सी से मीनिंग है कंबर्शन, एच मीनिंग है एंथैल्पी, डेल्टा बी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी। इसके लिए भी हमारी दो कंडीशन यूजफुल हैं। पहली कंडीशन है वन मोल सब्सटेंस, इसका हमें कंबर्शन कराना है, मतलब वन मॉलिक्यूल ही लेना है कंपाउंड का या जो भी सब्सटेंस है हमारे पास। एंड सेकंड है कंप्लीट कंबर्शन होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट कंबर्शन हो रहा है कि इनकम्प्लीट कंबर्शन हो रहा है? मान लीजिए किसी रिएक्शन में CO2 गैस बन रही है, इसका मीनिंग है कंबर्शन जो है वो कंप्लीट है, और यदि CO कहीं बन रही है इसका मतलब कंबर्शन जो है वो इनकम्प्लीट है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए भी हम ऊपर वाली रिएक्शन ही ले लें, C+O2 रिएक्शन साइन CO2। इस केस में देखिए कार्बन का ये हमने वन मोल ही लिया है, वन मॉलिक्यूल है, इट मीन्स वन मोल ही है, ये कंबर्शन हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, CO2 फॉर्म हो रही है, CO2 फॉर्म होने का मतलब है कंप्लीट कंबर्शन हुआ। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जितना हमारा चेंज इन एंथैल्पी होगा इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन ऑफ कार्बन, और वैल्यू इसकी भी सेम वही है -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। दोनों रिएक्शन को थोड़ा हम कंपेयर करके देखें, दोनों ही रिएक्शन में सारी चीजें सेम है, सिर्फ हमने यहाँ पर एफ लिया है, यहाँ सी ले लिया है। एफ लिया है किसके लिए, ऑफ CO2, और यहाँ सी किसके लिए लिया है, ऑफ सी। सी से मतलब सी ऐसा नहीं समझना, सी कंबर्शन है, कंबर्शन ऑफ कार्बन, और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, ये मतलब है इन दोनों ही रिएक्शन एंथैल्पीज का। तो ये दो टाइप की हमारी रिएक्शन एंथैल्पीज हो गई। अब आते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन एंथैल्पी पर, थर्ड टाइप की रिएक्शन एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इस पर आ जाए। नंबर थर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फर्स्ट इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा FUS H नॉट, इससे डिनोट कर रहे हैं नॉट मींस स्टैंडर्ड, H मींस एंथैल्पी, FUS मींस फ्यूजन, एंड डेल्टा मतलब चेंज। चेंज इसलिए क्योंकि रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए कोई हम एक एग्जांपल ले लें, H2O सॉलिड ये कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, फ्यूज्ड हो रहा है सब्सटेंस, फ्यूज मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, H2O का वन मोल है और लिक्विड भी वन मोल ही बन रहा है। तो इस केस में जितना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा इसकी वैल्यू 6.00 किलो जूल मोल इनवर्स ये हमें मिलती है। यहाँ वैल्यू पॉजिटिव मिल रही, कुछ नहीं लिखा सामने, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब जो रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक है। ये हमने इसके पहले भी क्लास में भी देखा था कि डेल्टा एच की वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन इंडोथर्मिक होगी,
जबकि इसके पहले की जो हमारे पास रिएक्शन एंथैल्पी थी उसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन थी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आपको पता ही है कि कार्बन का जब कन्वर्शन होता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगी। इस केस को हम एंडोथर्मिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज H2O सॉलिड है, सॉलिड होने से मतलब आइस है। अब आइस क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। द नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे चलते हैं। फोर टाइप की जो हमारे पास एंथैल्पी है, रिएक्शन एंथैल्पी, वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा वीएपी एच नॉट। इसे से हम से डिनोट करते हैं, वीएपी स्टैंड्स फॉर वेपराइजेशन। रिएक्शन कोई ले ले, H2O लिक्विड है, इससे हम H2O गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट मींस स्टीम में। देन डेल्टा वीएपी एच नॉट, प्रोसेस हो गई हमारी वेपराइजेशन, सब्सटेंस वन मोल ही है। देन इसके लिए जो वैल्यू आती है हमारे पास प्लस 40.79 किलो जूल मोल इनवर्स, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो भी स्टैंडर्ड। एंड वैल्यू पॉजिटिव मतलब ये भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि जो लिक्विड वाटर है उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब वो स्टीम में कन्वर्ट होती है। द नेक्स्ट नंबर फाइव, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेम से क्लियर है सब्लिमेशन प्रोसेस होना चाहिए, फर्स्ट इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एसयूवी एच नॉट से। कोई एग्जांपल ले लें, लाइक ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, और इसको यदि हमने हीट प्रोवाइड की है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। इस केस में जितनी भी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वैल्यू है प्लस 25.2 किलो जूल मोल इनवर्स, इस टाइप से ये हमारी वैल्यू मिलेगी। सब्लिमेशन क्यों, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ये कन्वर्ट हो रहा है। द नेक्स्ट नंबर सिक्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इस पर आ जाए। एटोमाइजेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए एच नॉट से। नॉट मींस स्टैंडर्ड, एच मींस एंथैल्पी, ए स्टैंड्स फॉर एटोमाइजेशन। फॉर एग्जांपल लाइक H2, ट्वाइस H में ब्रेक हो रहा है, मॉलिक्यूल है H2 और वो एटम से ब्रेक हो रहा है, तो इस केस में जितनी भी यहाँ पर एंथैल्पी यूज होगी दिस अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वैल्यू प्लस 435 किलो जूल मोल इनवर्स, इतनी होगी। इस केस में भी हम आउटसाइड एजेंसी से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसका मीनिंग ये होगा कि H2 ने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब, सो रिएक्शन ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया एटम में, और दोनों ही गैस हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसमें एक चीज और आती है लाइक सोडियम, सोडियम सॉलिड है, इससे हम इसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड सोडियम से सॉलिड गैस हम बना रहे हैं, तो इस केस के लिए भी इसे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। एंड वैल्यू आती है इसमें प्लस 108.4 किलो जूल मोल इनवर्स, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब यहां पर देखिए एटोमाइजेशन तो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल ये एटम में कन्वर्ट हुआ कि नहीं कुछ समझ में नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में है। बट एक चीज यहाँ क्लियर है कि मेटल है ये और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। तो मेटल्स के केस में एक विशेष बात आपने ध्यान रखना है कि मेटल्स के केस में जितनी भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आती है वह एक्चुअली क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है।
क्योंकि कोई भी मेटल जो होगी वो ऑलवेज मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही होगी, तो उसमें जितना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन द केस ऑफ मेटल्स। अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पर, वो न्यूमेरिकल हम कैसे करें उस पर आ जाए। टेक्स्ट बुक ओपन करिए और टेक्स्ट बुक ओपन करके आप ये एक न्यूमेरिकल देखेंगे 6.14 में क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और उसमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है CH3OH प्लस 3/2O2 रिएक्शन साइन CO2 प्लस 2H2O डेल्टा CH0 इक्वल्स टू वैल्यू -726 किलो जूल। और मोल इनवर्स हमने नहीं लिखा है इसमें, सी ग्रेफाइट प्लस O2 रिएक्शन साइन CO2 डेल्टा CH0 इक्वल्स टू वैल्यू -393 किलो जूल मोल इनवर्स H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन साइन H2O डेल्टा FH0 इक्वल्स टू -286 किलो जूल मोल इनवर्स। इस तरह से ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। और जो हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं उनको हम इक्वेशंस के नंबर दे दें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। और हमें कैलकुलेट करना है CH3OH इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो पहले तो हम इससे रिलेटेड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल से रिलेटेड इक्वेशन बना लें। सो वी हैव टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी मिथेनॉल। इस मिथेनॉल का हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना है। क्वेश्चन मार्क, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन से चल रहे हैं तो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए और वो भी उसके एलिमेंट से, तो उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से होना चाहिए, सबको एलिमेंटल फॉर्म में ही लिखना है। हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म H2, ऑक्सीजन O2, कार्बन तो कार्बन ही है, इक्वेशन बैलेंस करें 1 कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 4 है सो ट्वाइस, ऑक्सीजन ओनली 1 है यहाँ 2 लगा है तो हाफ कर लें, 1/2 × 2 करेंगे तो 1 ऑक्सीजन होल इक्वेशन बैलेंस। तो ये इक्वेशन हमें चाहिए और इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशन गिवन है, मतलब इन 3 इक्वेशन की हेल्प से हम इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करें, पहले हमें यहाँ देखना है कि लेफ्ट साइड में कार्बन एंड ट्वाइस हाइड्रोजन है, कार्बन देखिए आपको कौन से इक्वेशन में मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है, H2 में कौन से इक्वेशन में मिल रहा है, इक्वेशन 3 में मिल रहा है, बट H2 के सामने कितना लगा हुआ है 2, इसका मतलब इक्वेशन 3 में पूरे इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और उस इक्वेशन को इक्वेशन 2 से ऐड करना है। इट मींस हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन 2 लेना है उसमें प्लस करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 को उसमें ऐड कर देना है, ये काम हमने करना है। तो पहले हम इक्वेशन 2 बनाते हैं, अब ग्रेफाइट ना लिख के ओनली सी ही रहने दें, प्लस O2 रिएक्शन साइन CO2 डेल्टा CH0 इक्वल्स टू -393 किलो जूल्स। एंड ये जो इक्वेशन 3 है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें होल इक्वेशन में, तो यहाँ ट्वाइस ले लें, ट्वाइस H2 प्लस, यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये O2 आएगा रिएक्शन साइन, फिर 2 से मल्टीप्लाई ट्वाइस H2O, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें नहीं कर देना है
वैल्यू में करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही रहेगा, 12 16 77 1 2 द 4 एंड 1 5 किलो जूल्स। और अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, सो C प्लस ट्वाइस एच टू प्लस 1 प्लस 1 2 ट्वाइस ओ टू CO2 प्लस ट्वाइस एच टू ओ डेल्टा। अब देखिए ये कंबर्शन है, ये फॉर्मेशन है, और अब ये ना तो कंबर्शन है ना ये फॉर्मेशन है, बट रिएक्शन तो है, तो C और F ना लिख के हम R लिख देंगे, H not equals to, ये भी नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, 5 66 965 साइन माइनस का ही रहेगा, इसे दे दें हम इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हमने इक्वेशन 4 बना लिया। जो इक्वेशन हमें चाहिए, ये इक्वेशन हमें चाहिए, इसमें देखिए क्या क्या मिल गया हमें, C प्लस ट्वाइस एच टू, सी प्लस ट्वाइस एच टू मिल गया, ओ टू भी मिल गया, बाद में वो आ जाएगा हाफ, उसको भी छोड़ दें, सी ओ टू एच टू इसमें नहीं, वो भी आ जाएगा, बट हमें और क्या चाहिए, सी एस थ्री ओ एच, एंड सी एस थ्री ओ एच हमारे कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा, इक्वेशन 1 में सी एस थ्री ओ एच लेफ्ट साइड में है और हमें चाहिए राइट साइड में, तो ये जो इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन 4 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तो हमें इस तरह की कुछ इक्वेशन मिल सकती है। तो वही काम करते हैं, इक्वेशन 4, अभी इक्वेशन 1 वैसी बनी रहने दें, और यहां पहले आपके लिए लिख लेते हैं कि हमें ये काम करना है, इक्वेशन 4 माइनस करना है इक्वेशन 1। तो पहले हम इक्वेशन 4 ये ऊपर बना लें, C प्लस ट्वाइस एच टू प्लस ट्वाइस ओ टू रिएक्शन साइन, CO2 प्लस ट्वाइस एच टू ओ डेल्टा आर एच नॉट इक्वल्स टू माइनस 965 किलो जूल्स। और इक्वेशन 1 तो हमारे पास पहले से ही थी और उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो नीचे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस CO2 माइनस CO2 कैंसिल, प्लस ट्वाइस एच टू माइनस ट्वाइस एच टू कैंसिल, क्या क्या बचा है, C प्लस ट्वाइस एच टू, ये प्लस टू ओ टू है, ये माइनस थ्री बाई टू ओ टू है, 3 बाई टू ओ टू मीन्स 1.5 और 2 इन दोनों को माइनस करें तो हाफ मिलता है, बड़ा कौन है 2, उसके सामने साइन क्या है प्लस, सो हाफ ओ टू। अच्छा एक चीज और है इसमें, माइनस सी एस थ्री ओ एच रिएक्शन साइन, राइट साइड में कुछ नहीं बचा है तो हमने जीरो लिख दिया है वहां पर, और ये हो गया हमारा डेल्टा आर एच नॉट, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें, बड़ा ये है साइन माइनस आएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 931 किलो जूल, 139 किलो जूल ये वैल्यू हो जाएगी। फाइनली इसका हम इधर साइड चेंज करें, तो C प्लस ट्वाइस एच टू प्लस हाफ ओ टू रिएक्शन साइन सी एस थ्री ओ एच यह हमें मिल गया डेल्टा। अब हम इसको R ना लिख के F लिख सकते हैं, फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि मिथेनॉल का 1 मोल हमने फॉर्म किया, वो भी उसके एलिमेंट से फॉर्म किया, वैल्यू है माइनस 139 किलो जूल मोल एंड वर्स। ये पूरी इक्वेशन इसके सिमिलर, C प्लस ट्वाइस एच टू हाफ ओ टू सी एस थ्री ओ एच, ये वैल्यू माइनस 139 किलो जूल, तो करेक्ट आंसर माइनस 139 किलो जूल पर हो।